చెప్పుతున్నారు మన బట్ కాబట్టి సోమవారం వచ్చే ఎలక్షన్స్ రోజున ఆ ఒక్క రోజు మనం బయటికి వచ్చి ఓట్ వేయాలి అని తెలుసుకోవాలి ఒక్క రోజు మన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తిస్తే ఆ ఒక్క రోజు మన జీవితమే మారిపోతుంది हम सबको एक बात सतर्क रहकर सोचना है और मानना है और करना भी है. क्या है वो? जिस दिन हमको वोट डालने का दायित्व दिखाना चाहिए. शनिवार आया, रविवार आया, अच्छा हॉलीडेज मिल गए बोलकर हम कल सोमवार बाहर निकल जाएंगे तो जिंदगी के प्रगति से भी बाहर निकल जाएंगे. हम 40 साल पीछे रह गए, सारा देश आगे निकल गया है, हम सिर्फ पीछे रह गए हैं. अगर वो सोमवार एक दिन में 13 तारीख को जागृत न होंगे तो फायदा किसी के लिए नहीं है. कोई भी हमारा के रक्षा नहीं कर सकता अगर हम स्वयं खुद का रक्षा करने का बुद्धि नहीं रखते हैं. हम स्वयं का रक्षा अगर नहीं करें तो हम स्वयं का रक्षा नहीं करें तो भगवान भी आकर हमारा रक्षा नहीं कर सकता है. मई 13 तारीख को हमको आगे बढ़ने का, अभिवृद्धि के ओर चलने के लिए भगवान ने एक अच्छा मौका हमको मोदी भाई के रूप में दे दिया है. बाहर निकलिए, मई 13 तारीख को कमल को वोट डालिए, अपना जीवन का भाग्य को सुवर्ण के तरफ बदलिए, एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए. ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, आपके बच्चों के बारे में भी है. वैसे तो हमारा जीवन आधा से ज्यादा निकल गया है लेकिन अभी नन्हे मुन्ने बच्चों का जीवन का मामला है, उनका भविष्य का मामला है. अगर हम बड़े मिलकर उनका जीवन का को कुचलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, आगे लेके जाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम उनके माता पिता होते हैं. जिस प्रकार मोदी भैया हमारे माता पिता बनकर हमारे लिए ठहरे, जिस प्रकार से हम आपके माता पिता बनकर आपके शुभ चिंतक बनकर आए हैं, आप अपने बच्चों के स्वयं माता पिता बनकर मई 13 तारीख को बाहर निकलिए और भाजपा कमल को वोट डालिए. बस यही समझिए, आप किसी दूसरे के लिए वोट नहीं डाल रहे हैं, आप खुद के लिए, स्वयं के लिए भाजपा का वोट डाल रहे हो. हर एक का एक ही ख्वाहिश होता है, कि वो कीचड़ से बाहर निकलकर कमल का जिंदगी जिए. अगर कीचड़ से बाहर निकलकर आप कमल का जीवन जीना चाहते हैं तो कमल को वोट दे दीजिए. अब की बार मोदी भाई को जिताइए. जिन नौजवान को नौकरियां नहीं है, नौकरियां लग जाएंगे. उन्हें पढ़ी लिखे नहीं है लेकिन परिवार चलाने की जिम्मेदारी उन पे है, उनके लिए इंडस्ट्रीज लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाएंगे, यहाँ पर नौजवानों को काम पे लगा देंगे. जिनके पक्के घर नहीं है उनके पक्के घर बनाएंगे और गरीब के बच्चों के लिए फ्री इंग्लिश मीडियम स्कूल भी लगा देंगे हम लोग यहाँ पर. ये चार ही तो हर परिवार को चाहिए, एक अपना कहने वाला पक्का घर, नौजवानों को नौकरियां, जो अनपढ़ औरत है उनके लिए कोई ऐसा काम हुनर ताकि वो घर का आर्थिक व्यवस्था संभाल सके और नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाई, एक ऐसा स्वस्थ समाज बनाएंगे. कोई तो चुटकी कहकर कहता है तू मर्डरर बन जा, लेकिन हम भाजपा से कहते हैं चुटकी बजाने के लिए 15 मिनट चाहिए, वो 15 मिनट लेकर आप वोट दे दो भैया. आपके घर से एक को पायलट बनाओ, एक को इंजीनियर बनाओ, एक डॉक्टर बनाओ. कोई 15 मिनट का चुटकी बजाकर आपको हत्यारा बना रहा है लेकिन भाजपा कमल कहता है वही 15 मिनट से आपका जीवन को सुवर्णमय बना लो, भविष्य बना लो,
क्योंकि फिर 15 मिनट लगता है भैया घर से निकलकर वोट डालकर आने के लिए। एक 15 मिनट किसी का जीवन को वृक्ष के तरफ भी लेके जा सकता है। वो है भाजपा, वो है कमल, वो है मोदी भैया। 15 मिनट में देश को सुधारते हैं, 15 मिनट में युवकों को सुधारते हैं, 15 मिनट में परिवारों को सुधारते हैं। जय बोलो भारत माता की। सुरेंद्र भाई, आप महाराणा प्रताप की जो विग्रह लगाए, जितनी शान आती मेरा खुद जिता के लाए, तो आपकी शान आती देखो।